प्रश्नावली 1.3 क्वेश्चन नंबर 2 सरल कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें है 63 डिवाइडेड बाय 2 से 4 है, ठीक है। 63 में भाग हो रहा है 2 से 4 का, इसको करें 63 भाग हो रहा है, इसको चेंज कर दें 4 9 9 4, ठीक है। ये हो जाएगा 63, चेंज हो जाएगा ऊपर 4 में, ठीक है 4, और ये 9 9 7 63, और ये मल्टीप्लाई करें कितना हो जाए 7 के 7 7 4 28 आंसर। इसी तरह इसको भी हम सॉल्व करें 9 9 7 63 63 और 2 65, ठीक है 65/7, अब भाग हो रहा है इसका 13 का। अब इसको क्या करें, हम चेक मार लेंगे और इसको चेंज कर दें, तो ये हो जाएगा 65/7, ऊपर हो जाएगा 1 और नीचे 3, 13 से भाग कर दें 13 13 13 26 13 4 52 56 65, तो ये हो जाएगा 5/7 आंसर आपका, ठीक है। इसी तरह थर्ड भी हम लगाएंगे 16 3 का 16 कर देंगे तो पूरा 16 16 16 47 कर दीजिए 48 2 50 हो जाएगा, 50/3 में भाग हो रहा है 100 का आपका, ठीक है। अब क्या करें 50/3 और चेंज हो जा रही है नीचे 1/100 काट दीजिए 50 गुना 100, ठीक है। और ये हो जाएगा कितना आंसर 1/6, ठीक है ये 1/6 हो जाएगा। इसी तरह इसको हम सॉल्व करें 6 का मल्टीप्लाई 15 करें या 15 6 करें और 5 जोड़ दें 15 15 35 45 50 60 70 76 90, ठीक है इसमें मल्टीप्लाई हुआ 90 आया और 5 जोड़ दिए 95 6, और फिर भाग हो रहा है मेरा किसका इसका 6 2/3 का 3 का 6 मल्टीप्लाई कर दें 3 का 3 3 6 3 9 3 6 12 3 6 18 18 और 2 20/3 हो गया, ठीक है। अब 95/6 और इसको चेंज कर दें ऊपर कर दें 3/20, ठीक है 3 से काट दें 6 को 3 6, ठीक है और 5 इसको काटें 5 6 20 और इसको काट दें 5 1 5 फिर वैसे 4 9 45, ठीक है। अब नहीं कटेगा तो 19/8 और इसको मिस में चेंज कर दिए लेफ्ट साइड में एक तरफ, ठीक है तो 8 से भाग कर 19 में 8 के 8 16, ठीक है 9 में 6 गया 3, तो यहाँ पे हम लिख देंगे जिससे भाग कर रहे हैं वो नीचे, ठीक है भागफल जो आया है उसको हम यहाँ पर रखेंगे 2 और शेषफल को यहाँ रख देंगे, ये आंसर होगा फिर आपको बता दें। फिर इसी तरह 10 से 2/3 को चेंज कर 10 के 30 को 32, ठीक है 3 का 10 में करेंगे 30 हो जाएगा और 2 32/3 और ये 64 का भाग हो रहा है, ठीक है नीचे मान लें 32/3 और इसको 1 ऊपर चल जाएगा और 64 नीचे काट दें 32 को 64 से 32 गुना 64, ठीक है इसका भी हो जाएगा 1/6 आंसर, ठीक है। फिर इसी तरह आप छठवा करेंगे 45 है, अब भाग हो रहा है किसका 1 4/5, तो इसको चेंज कर दें 5 4 9 9/5, ठीक है 45 यहाँ पर चेंज हो जाएगा 5 और 9 9 5 45 और 5 का मल्टीप्लाई कर दें 25 आपका आंसर हो जाएगा।